आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रणवीर एंड द कमांड ही हैज ऑन हिज क्राउन। नमस्कार दोस्तों, एनिमल फिल्म को लेकर चर्चा है कि रणबीर कपूर अपने सबसे दमदार प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस फिल्म की रिलीज के बाद एक और एक्ट्रेस छा गई है जिसका नाम तृप्ति डिमरी है। लोग तृप्ति डिमरी को दूसरा नेशनल क्रश बुला रहे हैं, जबकि एक नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना भी उस फिल्म का हिस्सा है। तृप्ति ने इस फिल्म में कुछ बोल्ड सीन दिए हैं और कुछ जूता चाटने वाले सीन को लेकर बवाल हो रहा है। हालांकि जबरदस्त ट्रोलिंग के बाद तृप्ति ने रिएक्शन दिया है और कुछ ऐसा कर डाला है जो कि खबरों का हिस्सा है। जूता चाटने वाली बात पर तृप्ति का कहना था कि इस सीन में रणबीर कपूर के कैरेक्टर को दिखाना था और इसलिए वो सीन वह आया है। एक्ट्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बात करते हुए कहा, मैंने यह भी सोचा कि एक ऐसी महिला है जो अपनी पत्नी, पिता, बच्चों, पूरे परिवार को मारने की बात करती है। अगर कोई मुझसे ऐसा करे तो शायद मैं उस व्यक्ति को पीट दूंगी। यह वह उससे ऐसा करना जूता चाटने के लिए तो कहता है, लेकिन बाद में चला जाता है। इस वक्त वो काफ़ी सारे विचारों से गुजर रहा था। बाद में जब उसके चचेरे भाई उससे पूछते हैं कि उन्हें मेरे साथ क्या करना चाहिए, तो वो कहता है वो जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दो। भारी बवाल और ट्रोलिंग के बाद तृप्ति ने उस सीन को लेकर काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया। इसके अलावा तृप्ति ने कहा, इस फिल्म ने मेरे कोच की याद मुझे दिलाई है। वो जिस सुनहरे नियम की बात करते थे वो यही है, कभी भी अपने कैरेक्टर को जज ना करें। आप जो किरदार निभा रहे आपको सिर्फ वो किरदार निभाना है। वे सभी इंसान हैं और इंसान से अच्छे और बुरे पक्ष होते हैं। एक अच्छे एक्टर को हर तरह के किरदार निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी किरदार से सीखेंगी या विचार करेंगे तो आप उसे ईमानदारी से नहीं निभा पाएंगे। यही कारण था कि फिल्म के दौरान ये बात मैंने ध्यान में रखी थी। नेशनल कहे जाने पर तृप्ति डिमरी का कहना है कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन साथ लोग उल्टी सीधी बातें बोल्ड सीन्स को लेकर कर रहे जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को कुछ नहीं पता कि फिल्म के सेट पर क्या माहौल था और ये सीन क्यों और कैसे हुआ। तृप्ति डिमरी ने इसके अलावा भी कई ऐसी बातें की है जो कि आपको हैरान करने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, इस तरह तृप्ति डिमरी ने अभी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो पर क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के फिल्मी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।